नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी फिल्में बन रही है। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है यहाँ की आधा से ज़्यादा फिल्में फ्लॉप होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण ये है कि वही घिसा पीटा स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, चाहे किसी को भी देख लो, वही लव स्टोरी, वही सब चीज़। जी हाँ दोस्तों, न किसी चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत। जी हाँ दोस्तों, अगर फिल्में बनानी हैं तो अपने संस्कृति को देखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, उस हिसाब से फिल्में आप बनाओगे, संस्कृति को लेकर के आगे चलोगे, या फिर अपने जो स्टोरी है उसके दम पे ही आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ की स्टोरी सेम वही। जी हाँ दोस्तों, वही लव स्टोरी, वही ड्रामा, वही सब चीज़। दोस्तों, इससे फिल्में नहीं चलने वाली। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को ही छत्तीसगढ़ के लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि और कई इंडस्ट्री है जिनको ज़्यादा फिल्में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं कि अब फैंस को कैसे फिल्में दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ फिल्में आई है और जो काफ़ी अच्छी फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी फिल्म है और छत्तीसगढ़ के लोग उन फिल्मों को काफ़ी अच्छे देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं दोस्तों, और कई फिल्में भी आने वाली हैं काफ़ी अच्छी अच्छी तो दोस्तों, बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो सतीश जैन की। जी हाँ दोस्तों, सतीश जैन की फिल्म दोस्तों, चाहे उनकी कोई भी फिल्म की बात की जाए, जितने भी छत्तीसगढ़ी में उन्होंने फिल्म बनाई हैं, सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर ही रही है। जी हाँ दोस्तों, चाहे किसी भी फिल्म की बात की जाए दोस्तों, अभी उन्होंने हाल ही में एक फिल्म बनाई है, ले शुरू हो गए माया के कहानी दोस्तों, जो कि 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और दोस्तों, ये फिल्म अभी भी हाउसफुल चल रही है। दोस्तों, ये फिल्म की बात करें तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। एक कहानी शुरू होती है एक गांव से। जी हाँ दोस्तों, और एक लड़की लड़का जो पढ़ाई करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वही स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टूडेंट एक छात्रा की ये स्टोरी होने वाली है ये फिल्म, और फिल्म काफ़ी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर आया था, ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, तब मैंने बता दिया था कि ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, मतलब फिल्म भी काफ़ी अच्छी होगी। और फाइनली फिल्म का भी काफ़ी अच्छी है और इस फिल्म को काफ़ी देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। इंडिया छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी इस फिल्म को लगाया गया है और फिल्म को काफ़ी अच्छे देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म छत्तीसगढ़ के बाहर भी काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। तो अब देखते हैं कि ये फिल्म और आगे कितना चलती है और कैसे रहती है। जी हाँ दोस्तों, और कई फिल्म आने वाली है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, जो कि वो फिल्म भी काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि अपने संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। आप देखो, छत्तीसगढ़ से भी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन इससे भी वो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, और आज वो फिल्म इंडस्ट्री कितना ही आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मेन फोकस, मेन ध्यान देना चाहिए छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, कि इसके कहानी, इसके फिल्म स्टोरी सब चीज़ के ऊपर ध्यान दें तो फिल्म काफ़ी अच्छी बन सकती है। और पहले से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन वही घिसी पिसी स्टोरी अगर दिखाओगे तो फिल्म बोर हो जाएंगे, क्योंकि इसके कंपेयर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को देखो, उसकी उस इंडस्ट्री से कोई मुकाबला नहीं कर सकता अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जी हाँ दोस्तों, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई भी हो दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री अभी इतने आगे बढ़ रही है कि क्या पूछें। काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बना रही है साउथ फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि वो अपने संस्कृति के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। जी हाँ दोस्तों, चाहे किसी भी फिल्म को देखो, साउथ के छोटी से छोटी बजट की फिल्म को देखो तो काफ़ी अच्छी रहती है। जी हाँ दोस्तों, और सभी फिल्में काफ़ी अच्छी रहती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री
स्टोरी पे ध्यान नहीं देती ना कुछ भी प्रकार के। दोस्तों सबसे बड़ी अभी एक बात करना चाहूँगा, अभी एक फिल्म आने वाली है दुल्हीन वही जो पियर मन भाई। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का निर्देशन शिव नरेश केसरवानी कर रहे हैं। दोस्तों फिल्म का एक गाना आया है, साफ तौर पे पता चल जाता है कि ये गाना ओरिजिनल ही या फिर कहीं से उठाया गया है। दोस्तों बाहुबली आई थी, जी हाँ दोस्तों बाहुबली पार्ट 1 में जो एक गाना थी या सुन। जी हाँ दोस्तों, इस गाना की बात करें तो ये गाना अपनी ओरिजिनल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस गाना साउथ की फिल्म से उठाया गया है। दोस्तों वो भी ऐसे फिल्म से जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस फिल्म को जानती है। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली पार्ट 1 से। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली पार्ट 1 से एक गाना है जो कि तमन्ना और प्रभास पर फिल्माया गया है, उसी गाना का ही उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, और सेम तर्ज दोस्तों, अगर आप सुनोगे तो सेम पता चल जाएगी कि गाना को कहाँ से उठाया गया है। दोस्तों इस वजह से अब सबसे बड़ी फिल्म की बात करें तो फिल्म की सबसे बड़ी मेन होती है गाना और ट्रेलर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गाना और ट्रेलर को देख करके सोचते हैं फैंस लोग, देखते हैं फिल्म को। जी हाँ दोस्तों, लेकिन गाना और ट्रेलर ही कॉपी है तो आप समझ जाओ कि फिल्म पूरी की पूरी कॉपी होने वाली है। दोस्तों ट्रेलर की तो यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गाने पूरा के पूरा कॉपी हो गई है। और फिल्म में भी कोई ओरिजिनल नहीं होगी, फिल्म भी कहीं ना कहीं से उठाया गई होगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं फिल्म आती है तो कैसे चलती है। दोस्तों फिल्म 14 जुलाई को आने वाली है, और ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर तो ठीक ठाक ही है दोस्तों, एक्शन तो है ट्रेलर में, बाकी कोई दम भी नहीं है ट्रेलर में कुछ खास, लेकिन अब ट्रेलर है तो ठीक ठाक ही है। लेकिन गाना की बात करें तो ही गाना कॉपी है, अब भी स्टोरी कैसी है तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं फिल्म कैसे रहती है। दोस्तों अभी एक फिल्म आ चल रही है, 30 तारीख को रिलीज हुई है, फिल्म है जीरो बनी हीरो। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का बात की जाए तो ये फिल्म भी ठीक ठाक होने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, फिल्म कैसे है मैं नहीं बता सकता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कोशिश करूँगा फिल्म को देखने की। बाकी ये फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी इसकी ठीक ठाक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बाकी तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि देखने पर और सुनने और देखने में काफ़ी फर्क अलग रहता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं कि ये फिल्म कैसी रहती है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से कई और फिल्में हैं जो कि आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कई फिल्म आई थी और कई फिल्म आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं कि फिल्म कैसी रहती है। दुल्हीन वही जो पियर मन भाई, जो कि 14 जुलाई को आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये तो रही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।